नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आज हम हैं तुलसी रेजिन स्टोर में और आज हम जानेंगे अलग अलग प्रकार के रेजिन जो मार्केट में अवेलेबल हैं और उनका यूजेस क्या है, किस किस अलग अलग तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे तीन प्रकार के रेजिन और हम पहले जानेंगे कि रेजिन को हम किस किस टाइप से यूज करते हैं। तो रेजिन में हमारी होती है दो टेक्निक्स जिनको हम फॉलो करते हैं, जो बेसिकली नोन एज कोटिंग एंड कास्टिंग। तो कोटिंग का मतलब क्या है? कोटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम एक बेस को, जैसे ये MDF बेस है, इसके ऊपर हमने जब रेजिन डाला तो हमने इस बेस को कवर कर दिया रेजिन से। इसका मतलब है ये हमारी है कोटिंग टेक्निक। जब हम किसी भी बेस को रेजिन से कवर कर देते हैं तो उसे कहते हैं हमने उसको रेजिन से कोट कर दिया है। दैट मीन्स उसका मतलब है ये हमने रेजिन कोटिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ की। पर अब रेजिन कोटिंग हो गया, अब रेजिन कोटिंग हम अलग अलग तरीके के बेसिस पे कर सकते हैं, चाहे वो MDF बेस हो, एक्रिलिक बेस, मेटल बेस, ग्लास, वुड और कोई भी प्रकार का बेस जिसके ऊपर हम रेजिन पोर करते हैं उसको हम कहते हैं रेजिन कोटिंग टेक्निक। अब हम जानते हैं रेजिन कास्टिंग टेक्निक के बारे में। रेजिन कास्टिंग क्या है? रेजिन कास्टिंग है जैसे हम अपने घर में बर्फ जमाते हैं आइस ट्रे में, जब हम बर्फ को कास्ट करते हैं हम बर्फ जमाते हैं। सिमिलरली अगर हम रेजिन को सिलिकॉन मोल्ड्स में जमाते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है ये पूरा रेजिन से बना है, मतलब ये रेजिन में कास्ट हुआ है, इसे हम कहते हैं रेजिन कास्टिंग टेक्निक। सिंपली इन सिंपल वर्ड्स अगर हम जाने तो जब हम सिलिकॉन मोल्ड्स में रेजिन डालते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजिन कास्टिंग, और जब हम किसी बेस के ऊपर यानी कि MDF, एक्रिलिक, ग्लास, मेटल, किसी भी टाइप के बेस के ऊपर रेजिन डालते हैं तो उसे हम कहते हैं रेजिन कोटिंग टेक्निक। अब हमने अलग अलग तरीके का रेजिन तो जान लिया कि अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, पर अब इनको बनाने के लिए हमें कौन सा रेजिन यूज़ करना चाहिए। तो रेजिन कोटिंग टेक्निक, जब हम किसी बेस के ऊपर रेजिन यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ करना चाहिए यूपॉक्सी तुलसी रेजिन। ये हमारा आता है 2:1 के रेशियो में, जिसमें हमें 2 रेजिन लेना होता है और 1 हार्डनर लेना होता है। मतलब कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए 30 ग्राम रेजिन चाहिए तो हम उसमें 20 ग्राम हमारा रेजिन लेंगे और 10 हमारा हार्डनर लेंगे, तो हमारा रेजिन हुआ 30 ग्राम। ये हमारा रेजिन यूज़ होता है कोटिंग पर्पज़ के लिए, मतलब हमारे बेस के ऊपर करने के लिए हम इस रेजिन को यूज़ करते हैं। अब हमारा सिलिकॉन मोल्ड्स में कौन सा रेजिन यूज़ होता है? सिलिकॉन मोल्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिपॉक्सी तुलसी रेजिन और ये आता है 3:1 के रेशियो में, जिसका मतलब है कि हमें 3 रेजिन लेना है और 1 हार्डनर लेना है। यानी कि हम अगर 30 ग्राम रेजिन लेते हैं तो 10 ग्राम हमें हार्डनर लेना है, और ये सब रेजिन हमारे मेजर होते हैं। हम इसको तोलेंगे हमारे वेइंग स्केल में, तराजू में हम इसे तोलेंगे। हम उसके लिए डिजिटल तराजू यूज़ कर सकते हैं, हमें इनको बाय वेट ही तोलना है, हमें इसे बाय वॉल्यूम हमारे मेजरिंग कप्स में नहीं तोलना है। इनको हम तोलने के लिए वेइंग स्केल का यूज़ करेंगे। अब हम जानते हैं कि तीसरा जो हमारा रेजिन है वो किस के लिए यूज़ होता है। तो हमारा तीसरा रेजिन है ये अल्ट्रा प्रिपॉक्स रेजिन है और ये काम आता है हमारे जियोड आर्टवर्क्स के लिए। जब हम ये जियोड आर्टवर्क्स, जब हमें ये ग्लिटर की थिक लाइंस चाहिए होती है, जब हम हमारा पैटर्न बिल्कुल वैसा ही चाहिए होता है जैसा हमने बनाना है, हमें इसमें कोई भी मर्जिंग नहीं चाहिए, जब हमें अपनी रेजिन की विस्कोसिटी थिक चाहिए होती है, तब हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा प्रिपॉक्स रेजिन, क्योंकि इसका विस्कोसिटी हमारे बाकी के रेजिन से बहुत ही ज़्यादा है। अगर हमारा इस यूपॉक्स रेजिन का विस्कोसिटी है 200 से 300, तब हमारा अल्ट्रा प्रिपॉक्स का रेजिन है 2000, यानी कि 10 गुना ज़्यादा। इसके लिए थिक है और इसका थिकनेस की वजह से हमें परफेक्ट हमारी लाइंस अचीव होती है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप जियोड आर्टवर्क्स बनाएं तो हमारा अल्ट्रा प्रिपॉक्स रेजिन यूज़ करें। बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको जानना है कि आप कौन सा रेजिन यूज करें अपने कास्टिंग के लिए आर्ट एपॉक्सी और अपनी कोटिंग के लिए यूपॉक्सी रेजिन। सिर्फ जियोड आर्टवर्क्स के लिए आपको अल्ट्रा प्रिपॉक्स रेजिन के लिए जाना है। अब हम जानते हैं इनके रेशियो के बारे में। हमारा अल्ट्रा प्रिपॉक्स रेजिन का आता है 2:1 रेशियो में और इसका हमारा वर्किंग टाइम, मतलब हम इसको मिक्स करने के बाद 25 से 30 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद ये ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाता है और गर्म हो जाता है, उसके बाद हम इसे यूज़ नहीं कर सकते,
तो सब रीजन का उस तरीके से अलग अलग वर्किंग टाइम है और वैसे ही इनका क्योर टाइम है। क्योर टाइम मतलब कितनी देर में हमारा रीजन सूख के यूज हो जाता है कि हम उसे टच कर सके। तो हमारा अल्ट्रा पीपॉक्स रीजन का क्योर टाइम है 6 to 8 hours, 6 से 8 घंटे में ये रेजिन बिल्कुल ड्राई हो जाता है। यूबॉक्स रेजिन का रेशियो है 2:1 और इसका वर्किंग टाइम है 30 to 35 minutes, सेम एज बिल्कुल सेम अल्ट्रा पीपॉक्स रेजिन की तरह। बट इसका क्योर टाइम मतलब ये सूखता कितनी देर में है, तो इसको सूखने में 12 से 16 घंटे लग जाते हैं। और आर्ट इपॉक्सी रेजिन जो 3:1 के रेजिन में आता है, इसका हमारा वर्किंग टाइम है 45 minutes to 1 hour, मतलब 45 मिनट से 1 घंटा हमें मिलता है इस रेजिन से काम करने के लिए, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। बट ये रेजिन अगर हमारा वर्किंग टाइम जाता है, इसलिए इस रेजिन का क्योर टाइम मतलब ये सूखने में भी उतना ही टाइम लगाता है। इस रेजिन का क्योर टाइम है 18 hours to 24 hours, तो पूरा एक दिन इसको लगता है सूखने के लिए। तो आपने जाना आज हमारे इस वीडियो में कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के रीज़न होते हैं और इनका अलग अलग यूजेस क्या है। और अब हम जानते हैं कि हमारे ये सब रीज़न जो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है और हाई ग्लॉस रीज़न है, तो आपका जो प्रोडक्ट आप जो भी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इनका नोटिफिकेशन चाहिए तो कृपया बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में। ये सब रीजन आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो जिसका नाम है tulsireason.com, और अब हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ये सब मंगा सकते हैं अपने घर। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और हम उसी वीडियो के साथ आपसे वापस मिलेंगे। थैंक यू।